देखो भाई, न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एब्रेशन स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एब्रेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसका। क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनते हैं, स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एब्रेशन से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एब्रेशन पर। देखो, एब्रेशन का मतलब बताया था आपको, चेंजेस, बदलाव आना, ठीक है। क्रोमोसोम तो पता ही है, न्यूमेरिकल मतलब नंबर, मतलब किसमें, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के नंबर में बदलाव आ जाए तो उसे कहते हैं न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एब्रेशन। अब कितना बदलाव, बदलाव का मतलब हो सकता है क्रोमोसोम नंबर कम हो जाए, हो सकता है क्रोमोसोम नंबर ज़्यादा हो जाए। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सपोज मान लो कि मेज के अंदर क्रोमोसोम नंबर 22 है, तो क्या ये क्रोमोसोमल एब्रेशन है? अब ये पता होने के लिए कि ये क्रोमोसोमल एब्रेशन है या नहीं, इसके लिए हमें मेज की नॉर्मल कंडीशन पता होनी चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एब्रेशन को आप तभी समझ पाओगे जब तक कि नॉर्मल कंडीशन को नहीं समझ लेते। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर कितना है। मेज के अंदर नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर होता है 20, ये हमने बात की किसकी, 22, यानी कि यहाँ पर 2 प्लस हो गया है, मतलब ये न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एब्रेशन है। अगर मैं कहूँ मेज के अंदर क्रोमोसोम नंबर है 18, मतलब यहाँ पर क्या हो गया है, अब 20-2 हो गया है, मतलब ये भी क्रोमोसोमल एब्रेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या समझना पड़ेगा कि नॉर्मल चीज़ क्या होती है। किसी भी क्रॉप के अंदर उसका न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एब्रेशन तभी समझ में आ पाएगा जब आप उस क्रॉप का नॉर्मल कंडीशन पता कर लोगे। ध्यान रखना, कोई भी क्रॉप हो, मैं तो कहता हूँ कोई भी एनिमल हो या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसके अंदर नॉर्मल कंडीशन हमेशा क्या होती है, डिप्लॉयड। नॉर्मल कंडीशन हमेशा क्या होती है, डिप्लॉयड। ये सबसे नॉर्मल कंडीशन यही मानी जाती है कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, डिप्लॉयड हमेशा। जैसे कि डिप्लॉयड, डी जो अपना, इसका क्या मतलब है, टू, मतलब इसके अंदर जो क्रोमोसोम है वो हमेशा पेयर्ड फॉर्म में होंगे, हमेशा सेट में होंगे। जैसे मैंने कहा मटर के अंदर क्रोमोसोम नंबर है 14, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 7 पेयर होंगे, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 7 पेयर्स होंगे, 7 यहाँ पर क्या होंगे, पेयर्स होंगे, मतलब क्रोमोसोम जो होते हैं वो हमेशा पेयर्ड फॉर्म में होते हैं। ये मैं आपको पिछली क्लास में भी बता चुका हूँ, क्रोमोसोम जो होते हैं वो हमेशा पेयर्ड फॉर्म में होते हैं, जोड़े में पाए जाते हैं। देखो 7 बन गए कि नहीं बन गए, जी देखो 7 है, काउंटिंग करोगे तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 2n = कितने हैं, 14, ठीक है। लेकिन है कितने पेयर की अगर हम बात करें तो पेयर तो कितने हैं, 7 ही हैं, पेयर्ड कितने हैं, 7। ये मैंने आपको बताया था कि जो क्रोमोसोम पेयर्ड फॉर्म में होते हैं उन क्रोमोसोम को क्या कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। ये दोनों क्या है, ये दोनों आपस में होमोलोगस है, ये भी होमोलोगस, ये भी होमोलोगस। बताओ ये वाला क्रोमोसोम और ये वाला क्रोमोसोम, इनके बीच में क्या रिलेशन है, ये इनके बीच में रिलेशन है कि ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है। ये कैसे है, नॉन होमोलोगस है, ये दोनों आपस में होमोलोगस है लेकिन ये और ये आपस में नॉन होमोलोगस है। ऐसे ये दोनों आपस में क्या है, होमोलोगस है लेकिन ये और ये आपस में क्या है, नॉन होमोलोगस है। ये और ये आपस में क्या है, नॉन होमोलोगस है। सिंपल सा, जो क्रोमोसोम एक साथ रहते हैं, पेयर्ड फॉर्म में रहते हैं, जोड़ा बनाकर रहते हैं, उनको होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। हर एक स्पीसीज में होता है। जैसे मेरे अंदर क्रोमोसोम कितने हैं, 2n = 46, आपके अंदर भी 46 है, तो ये 46 का मतलब क्या है, 23 पेयर है वहाँ पर। ऐसे 23 कितने होंगे, पेयर होंगे, और जो क्रोमोसोम पेयर्ड में होगा उसे कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम होता है ना, इसमें से एक क्रोमोसोम तो आता है मेल से और दूसरा क्रोमोसोम आता है फीमेल से। मतलब मेरे अंदर अगर 46 क्रोमोसोम है, इसका मतलब 23 क्रोमोसोम मेरे माताजी से आए हैं और 20 बाकी के 23 क्रोमोसोम मेरे पिताजी से आए हैं। क्रोमोसोम पेयर्ड में होने की वजह से ही हम इसको क्या कहते हैं, डिप्लॉयड, और यही होती है नॉर्मल कंडीशन। ये क्या होती है, नॉर्मल कंडीशन होती है, ठीक है। तो इस नॉर्मल कंडीशन को हमें बेस मानना है, इसी नॉर्मल कंडीशन को हमें आधार मानना है, और यहाँ से क्या बदलाव हो रहा है, जो नॉर्मल कंडीशन है, जो डिप्लॉयड है, उस नॉर्मल कंडीशन से क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्रोमोसोम नंबर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तभी उसे हम क्या कहेंगे, न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एब्रेशन, ठीक है। यहाँ पर दो शब्द आते हैं, उन दोनों शब्द को आप थोड़ा समझो। एक होता है गैमेटिक
क्रोमोसोम नंबर, ठीक, और एक होता है बेसिक क्रोमोसोम नंबर। इन दोनों चीज़ों को पहले आप समझ लो। न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एब्रेशन में जाने से पहले ये गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर क्या होता है और बेसिक क्रोमोसोम नंबर क्या होता है। गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर, कोई भी ऑर्गेनिज्म जब अपने गैमीट बनाता है उस गैमीट में जो क्रोमोसोम होंगे वही उसका गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर होगा। नाम जैसा बता रहा है वही उसकी डेफिनेशन है। नाम से ही समझ में आ रहा है गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर, मतलब जो क्रोमोसोम नंबर गैमीट में होंगे वही गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर होगा। अब हमको पता है, हमने मियोसिस में बात की थी कि जब भी गैमीट बनते हैं तो गैमीट के अंदर एग्जैक्टली हाफ क्रोमोसोम जाते हैं। एग्जैक्टली कितने जाते हैं? हाफ क्रोमोसोम। जैसे मेरे अंदर 46 है तो मेरे गैमीट में कितने जाएंगे? केवल 23। इस मटर के अंदर, इस मटर के पौधे में 14 क्रोमोसोम है तो इसके गैमीट में कितने जाएंगे? केवल 7। इसके अंदर, मेज के अंदर कितने हैं? 20 है तो इसके गैमीट में कितने जाएंगे? केवल 10। तो इस मेज का गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया? 10। इस मटर का गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया? 7। ह्यूमन बींग का गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया? 23। जो गैमिट में होंगे वही उसके क्रोमोसोम नंबर होंगे, ठीक है। अब ये जो गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर होता है ना, ये डिप्लॉयड पे तो लागू होता ही होता है, साथ में पॉलीप्लॉयड जो है उन पर भी ये लागू हो जाता है। तो ये तो हमने भी डिप्लॉयड के एग्जांपल पढ़े, जैसे कि अपना अपना मटर हो गया, मेज हो गया, ह्यूमन बीन, ये तो क्या है? डिप्लॉयड है। पॉलीप्लॉयड का कोई एग्जांपल ले लो। जैसे पॉलीप्लॉयड में अपन एक एग्जांपल लेते हैं वीट का, गेहूं की बात कर लेते हैं, सबसे अच्छा है। गेहूं कैसा होता है हमेशा? आज जो गेहूं हम उगा रहे हैं ट्राइटिकम एस्टिवम 87% एरिया में जिसका कल्टीवेशन हो रहा है वो है हेक्साप्लॉयड। कैसा है वो? हेक्साप्लॉयड। गेहूं के अंदर मालूम है आपको 3 अलग अलग स्पीसीज के क्रोमोसोम है। हेक्साप्लॉयड गेहूं का एवोल्यूशन कैसे हुआ है इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाना, प्लांट ब्रीडिंग में देखना, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगा कि हेक्साप्लॉयड गेहूं कैसे बना। तो इसके अंदर मालूम है 3 अलग अलग स्पीसीज के क्रोमोसोम है। वो 3 अलग अलग स्पीसीज के क्रोमोसोम जो है वो कैसे डिनोट होते हैं? एक स्पीसीज ने दिया है कैपिटल ए कैपिटल ए, दूसरी स्पीसीज ने दिया है कैपिटल बी और तीसरी स्पीसीज ने दिया है कैपिटल डी कैपिटल डी। गेहूं के अंदर क्रोमोसोम नंबर हम कितना पढ़ते हैं? 42। ये 42 कैसे हुआ है मालूम? ये 14 इस क्रोमोसोम का है, 14 इस क्रोमोसोम का है, प्लस 14 इस क्रोमोसोम का है, तब जाके जो हुआ है 42। ये क्या है? हेक्साप्लॉयड है। अब आपको हेक्साप्लॉयड में कोई पूछ ले गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर क्या है तो बिल्कुल भी नहीं घबराना। इसके जो गैमेट बनेंगे भाई, गैमेट में क्या होते हैं? जस्ट आधे होते हैं, तो 42 का आधा कितना होगा? 21। यही है इसका गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर। सिंपल सी बात है, चाहे वो डिप्लॉयड हो या वो पॉलीप्लॉयड हो। ये कौन आया भाई? वेट। तो देखो, चाहे वो डिप्लॉयड हो या वो पॉलीप्लॉयड हो, क्रोमोसोम नंबर जो गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर होगा वो ठीक उसका आधा होगा। आपको कुछ नहीं करना, जो टोटल क्रोमोसोम नंबर है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल क्रोमोसोम नंबर डिवाइडेड बाय 2। बस ये आप लोग याद रखना, चाहे फिर वो किसी पर भी बात करे, डिप्लॉयड पर बात करे या पॉलीप्लॉयड पर बात करे, आपको बस याद रखना है टोटल क्रोमोसोम नंबर डिवाइडेड बाय 2। अब बात करते हैं बेसिक क्रोमोसोम नंबर। बेसिक क्रोमोसोम नंबर हमेशा हमेशा काउंट किया जाता है ट्रू डिप्लॉयड स्पीसीज पर। ये आप हमेशा याद रखना, बेसिक क्रोमोसोम नंबर हमेशा किस पर काउंट किया जाएगा? एक ट्रू डिप्लॉयड स्पीसीज पर। जैसे मटर डिप्लॉयड है ही, मेज डिप्लॉयड ही है, तो जितना इसके अंदर गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर है उतना ही बेसिक क्रोमोसोम नंबर भी होगा। इसको एक चीज़ और समझो आप, बेसिक क्रोमोसोम नंबर से मतलब यह है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म एग्जैक्टली कितना क्रोमोसोम अपनी आने वाली जनरेशन को ट्रांसफर कर रहा है वो है। अब वो कितना क्रोमोसोम आने वाली जनरेशन को ट्रांसफर करेगा? यूनिक क्रोमोसोम कितना ट्रांसफर करेगा, और वो भी कौन? डिप्लॉयड। ध्यान रखना, पॉलीप्लॉयड की बात नहीं हो रही यहाँ पर। एक ट्रू डिप्लॉयड स्पीसीज अपना कितना क्रोमोसोम आने वाली जनरेशन को ट्रांसफर करती है? सबको पता है आधा करती है, क्योंकि मियोसिस में ठीक आधा हो जाता है। तो जो डिप्लॉयड में जो गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर है वही बेसिक क्रोमोसोम नंबर हो जाएगा डिप्लॉयड के लिए, ठीक है। तो इसमें सिंपल सा मैं आपको फॉर्मूले बता देता हूँ। अगर डिप्लॉयड की बात हो रही है तो बेसिक क्रोमोसोम नंबर क्या होगा? टोटल क्रोमोसोम नंबर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अगर मान लो कोई टेट्राप्लॉयड है तो, फॉर्मूला हो जाएगा टोटल क्रोमोसोम नंबर डिवाइडेड बाय 4। अगर कोई हेक्साप्लॉयड है तो फॉर्मूला हो जाएगा टोटल
क्रोमोसोम नंबर डिवाइडेड बाय 6। अगर कोई ऑक्टाप्लॉयड है तो, अगर कोई ऑक्टाप्लॉयड है तो क्रोमोसोम फॉर्मूला हो जाएगा टोटल क्रोमोसोम नंबर डिवाइडेड बाय 8। जैसे गेहूं है, देखो डिप्लॉयड में तो अपन को कोई दिक्कत नहीं है, डिप्लॉयड में तो गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर भी ठीक उसका आधा, बेसिक क्रोमोसोम नंबर भी ठीक उसका आधा। प्रॉब्लम आती है जब पॉलीप्लॉयडी लेवल बढ़ता है। जैसे गेहूं की बात करें, गेहूं के अंदर मैंने क्या कहा, एक ट्रू डिप्लॉयड स्पीसीज अपनी आने वाली पीढ़ी को कितना क्रोमोसोम नंबर ट्रांसफर कर रही है, वो होता है उसका बेसिक क्रोमोसोम। अब मैंने कहा गेहूं कैसा है, हेक्साप्लॉयड है, इसके अंदर तीन डिप्लॉयड स्पीसीज के क्रोमोसोम हैं, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल डी कैपिटल डी। कहने के लिए तो इसने गैमिट में कितने दिए हैं, टोटल 21 क्रोमोसोम दिए हैं, लेकिन ये जो 21 क्रोमोसोम है वो कैसे बने हैं, 7+7+7, ये 7 कैपिटल ए का है, बाकी का 7 कैपिटल बी का है और बाकी का 7 इसका है। मतलब एक ट्रू डिप्लॉयड स्पीसीज ने कितना क्रोमोसोम दिया है अपने आने वाली पीढ़ी को, सिर्फ 7, बाकी का इस कैपिटल बी ने भी कितना दिया है, 7, और इसने भी कितना दिया है, 7। इसलिए इसका बेसिक क्रोमोसोम नंबर जो है वो कितना होगा, 7 होगा। चाहो तो इस फॉर्मूले से लगा सकते हो आप, इस फॉर्मूले में 42 पुट करो और डिवाइडेड बाय अब 6 कर दो, ठीक है, तो इससे भी आप निकाल सकते हो। तो कहने का मतलब सिंपल सा वही है, बेसिक क्रोमोसोम नंबर में और अपना गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर में आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ये फॉर्मूला आप याद रखना। बस इसके लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि जिस स्पीसीज का बेसिक क्रोमोसोम नंबर पूछा गया है, जिस क्रॉप का बेसिक क्रोमोसोम नंबर पूछा गया है, वो क्रॉप कौन सी है, इतना आपको नॉलेज में रखना पड़ेगा। अगर आपको यही नहीं पता कि गेहूं एक हेक्साप्लॉयड है तो आप क्या करोगे, इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे और आंसर निकाल दोगे। अगर आपको पता है कि ये हेक्साप्लॉयड है तभी तो आप ये फॉर्मूला लगा पाओगे, अगर आपको पता है कि ये टेट्राप्लॉयड है तभी आप ये फॉर्मूला लगा पाओगे। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्पीसीज हेक्साप्लॉयड है और कौन सी स्पीसीज टेट्राप्लॉयड है और कौन सी स्पीसीज डिप्लॉयड है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको, गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर में क्या फर्क है और बेसिक क्रोमोसोम नंबर में क्या फर्क है। एक शब्द यूज होता है जीनोम, ये जीनोम का क्या मतलब होता है, ये जीनोम भी वही चीज होती है कि कितना क्रोमोसोम एक इंडिविजुअल कितना क्रोमोसोम आने वाली पीढ़ी को दे रहा है, उसी को कहते हैं जीनोम। मतलब जीनोम भी क्या हो गया, हैप्लॉयड क्रोमोसोम के बराबर हो गया, क्योंकि हम लोग अपनी आने वाली जनरेशन को क्या देते हैं, अपना आधा ही क्रोमोसोम देते हैं। जैसे ये है होमोलोगस में क्या रहता है, एक आता है मेल से और एक आता है फीमेल से, तो बताओ इस मेल ने अपने आने वाली जनरेशन को कितना क्रोमोसोम दिया, ठीक हाफ दिया है, और अब बाकी का हाफ कहाँ से आया है, यहाँ से आया है। मतलब मैंने अपने बच्चे को कितना क्रोमोसोम दिया, मेरे अंदर कितने हैं 46, लेकिन मैंने अपने बच्चे को कितने क्रोमोसोम दिए, केवल 23। मतलब मेरे अंदर जो यूनिक क्रोमोसोम है, भाई 23 क्यों दिए, 46 क्यों नहीं दिए, 46 देने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि मेरे अंदर जो यूनिक क्रोमोसोम है, मेरा जो पूरा जेनेटिक मटेरियल है वो 23 क्रोमोसोम में ही आ गया है, बाकी का उसको पेयरिंग के लिए बाकी के 23 और चाहिए, लेकिन पूरा मेरा जो जेनेटिक मटेरियल है वो 23 ही है, इसलिए मैंने 23 क्रोमोसोम अपने आने वाली पीढ़ी को दिए हैं। तो जीनोम का मतलब क्या होता है, जीनोम को अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज अ सम टोटल ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जितना भी जेनेटिक मटेरियल है, यूनिक जेनेटिक मटेरियल है, उसको कहते हैं जीनोम। अब यूनिक जेनेटिक मटेरियल मतलब जो आने वाली पीढ़ी में ट्रांसफर कर देगा वही उसका यूनिक जेनेटिक मटेरियल होगा। तो हैप्लॉयड जो क्रोमोसोम नंबर होंगे वही होता है जीनोम। तो आपसे ऐसे पूछ सकते हैं डायरेक्ट कि बताओ मेज के अंदर जीनोम क्या होता है, तो मेज में क्रोमोसोम तो 20 है, लेकिन मेज कभी भी 20 क्रोमोसोम पूरे अपनी आने वाली जनरेशन को नहीं देता, मेज कितना देगा, केवल 10, क्योंकि गैमिट में कितना जा रहा है, केवल 10 ही जा रहा है, और जो कि हैप्लॉयड के बराबर है। तो मेज के अंदर जीनोम कितना होगा, 10। मटर में कोई पूछ ले बताओ जीनोम कितना होगा, 10। आपसे राइस में कोई पूछ ले बताओ जीनोम कितना होगा, राइस के अंदर क्रोमोसोम नंबर होते हैं 24, तो क्रोमोसोम राइस में आपका जीनोम हो जाएगा 12। आपसे ह्यूमन बींग में पूछ ले बताओ इंसानों में जीनोम कितना होता है, तो 23। अगली बात समझ में, ये होता है जीनोम। अब देखो, अब बात करते हैं अपन जित अपनी बेसिक टर्म्स ही जो अपन को अभी काम आने वाली है न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एब्रेशन में। अब देखो यहाँ पर बात आते हैं अपन वापस से न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एब्रेशन पर। तो न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एब्रेशन वही चीज़, नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ भी सकते हैं और नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम भी हो सकते हैं, और बेस क्या मानेंगे अपन, डिप्लॉयड, मतलब डिप्लॉयड में अपन को बढ़ाना है और डिप्लॉयड में अपन को कम करना है। बात समझ में आ रही है ना, बेस क्या मानेंगे अपन, हमेशा डिप्लॉयड नॉर्मल कंडीशन को मानेंगे। तो जैसे कि मान लो ये रहा अपना नॉर्मल कंडीशन डिप्लॉयड, ये तो होती है क्या, नॉर्मल कंडीशन। इस नॉर्मल कंडीशन में हो सकता है क्रोमोसोम नंबर बढ़ जाए, और इस नॉर्मल कंडीशन में हो सकता है क्रोमोसोम नंबर घट जाए, हो सकता है यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर बढ़ जाए और हो सकता है यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर कम हो जाए, ठीक है। अब देखो
ये दो टाइप का होता है, उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ये होता है दो टाइप का, एक होता है एन्यूप्लॉइडी और एक होता है यूप्लॉइडी। ये क्रोमोसोम नंबर जो बढ़ रहे हैं ना, इसमें भी थोड़ा सा अंतर है। देखो, अगर किसी के अंदर एक या दो क्रोमोसोम या तीन क्रोमोसोम बढ़ते हैं किसी व्यक्ति के अंदर, जैसे कि मान लो मटर के अंदर कितना होता है, 2n = 14 है। अगर इसके अंदर कोई एक क्रोमोसोम आ जाए या दो क्रोमोसोम आ जाए या तीन क्रोमोसोम चार क्रोमोसोम आ जाए तो वो क्या कहलाएगा आपका, एन्यूप्लॉइडी कहलाएगा। या मान लो इसके अंदर से एक क्रोमोसोम कम हो जाए, दो क्रोमोसोम कम हो जाए, तीन हो जाए, चार कम हो जाए तो वो क्या कहलाएगा आपका, ये एन्यूप्लॉइडी हो जाए। अगर एक दो तीन चार ऐसे क्रोमोसोम कम बढ़ रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा आपका, एन्यूप्लॉइडी। अगर पूरा की पूरा सेट डबल हो जाए, जैसे मटर के अंदर 14 है, एक नया 14 आके इसमें जुड़ जाए, पूरा की पूरा सेट ही आके, अब एक दो की बात नहीं हो रही है, अब छुटपुट की बात नहीं करेंगे अपन, पूरा की पूरा सेट आके जुड़ रहा है तो उसको बोल देंगे अपन क्या, यूप्लॉइडी। आ गई बात समझ में? एन्यूप्लॉइडी मतलब छुटपुट जुड़ रहे, एक जुड़ गया कम हो गया, दो जुड़ गए कम हो गए, तीन जुड़ गए कम हो गए, वो क्या कहलाएगा आपका, एन्यूप्लॉइडी। और पूरा की पूरा सेट डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, पूरे 14 क्रोमोसोम थे, 14 की 14 एक नया सेट आके जुड़ गया, हो सकता है एक और 14 इसमें आके जुड़ गया, हो सकता है एक और 14 आके इसमें जुड़ गया, पूरा की पूरा सेट आके जुड़े तो वो यूप्लॉइडी कहलाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, एन्यूप्लॉइडी की, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, एन्यूप्लॉइडी की। तो देखो, हम बात करेंगे किसकी, एन्यूप्लॉइडी की। तो ये अपनी एन्यूप्लॉइडी की बात हो रही है। अब एन्यूप्लॉइडी में अपन बेस किसको मानेंगे, जो नॉर्मल होगा। नॉर्मल क्या है अपना, डिप्लॉइड। अब यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर बढ़ भी सकते हैं और क्रोमोसोम नंबर कम भी हो सकते हैं। अगर क्रोमोसोम नंबर बढ़ते हैं गेन होता है, या फिर क्रोमोसोम नंबर लॉस होता है। अगर क्रोमोसोम नंबर बढ़ते हैं तो उसको बोलेंगे अपन क्या, हाइपरप्लॉइडी। तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपरप्लॉइडी। अगर क्रोमोसोम नंबर कम होते हैं तो उसको बोलेंगे क्या, हाइपोप्लॉइडी। अब क्रोमोसोम नंबर कितना बढ़ा कितना कम हुआ ये डिपेंड करेगा, कितना क्रोमोसोम नंबर कम हो रहा है उस पर अलग अलग डेफिनेशन बन जाएंगी। जैसे अपन बात करते हैं सबसे पहले हाइपरप्लॉइडी की। देखो, जैसे कि मान लो अपना ये डिप्लॉइड, मान लो कोई भी एक एग्जांपल ले लो, 2n = 14, मटर का ये एग्जांपल लेते हैं, सबसे सिंपल पड़ता है, ठीक है। मटर का हमने एक एग्जांपल लिया 2n = 14, यहाँ पर बना दो अपने 14 क्रोमोसोम, ये बहुत ज़्यादा है, ये कोई छोटा सा ही ले लो, 2n = मान लो अपने ले लिया यहाँ पर 6 ले लिया, चलो ठीक है, 2n = 8 ले लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 8 सेट तैयार करो, एक सेट, ये दूसरा सेट, ये तीसरा सेट और ये चौथा सेट, हो गए 8 क्रोमोसोम और 4 पेयर हो गए। क्रोमोसोम कितने हो गए, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और पेयर कितने हो गए, 1, 2, 3, 4। इनको क्या कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। आ गई बात समझ में, इसको देखना, अब आप समझते जाना सारी चीज़ें। हाइपरप्लॉइडी, 2n अपना कितना है, 8 है। अगर मान लो कोई एक क्रोमोसोम आके जुड़ जाए, इस सेट में कोई एक क्रोमोसोम आके जुड़ जाए, ये एक क्रोमोसोम आके इसमें आके जुड़ गया, तो क्या कहेंगे इसको अपन, ट्राइसोमी। क्या कहते हैं उसको, ट्राइसोमी। नॉर्मल कंडीशन क्या है, 2n, एक क्रोमोसोम आके जुड़ा है, तो ट्राइसोमी को कैसे लिखेंगे, 2n + 1। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, याद रखना इसको। एक नॉर्मल कंडीशन क्या थी, 2n, एक क्रोमोसोम आके जुड़ गया तो क्या लिख दिया उसको अपने, 2n + 1। तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, ट्राइसोमी, ठीक है। ट्राइसोमी को अभी ओपन को और पढ़ना है, अब आ जाओ। अब अगर मान लो यहाँ पर एक क्रोमोसोम और ऐड होता है, यहाँ पर एक क्रोमोसोम और ऐड हो जाए, मान लो ये रहा अपना एक क्रोमोसोम यहाँ पर आके और ऐड हो गया, ठीक। अब याद रखना, यहाँ पर दो क्रोमोसोम ऐड हो रहे हैं, एक क्रोमोसोम यहाँ पर, एक क्रोमोसोम ऐड हुआ मतलब 2n + 1, ट्राइसोमी। अब अगर मान लो दो क्रोमोसोम ऐड हो रहे हैं, अब ये दोनों क्रोमोसोम जो ऐड हो रहे हैं, यहाँ पर दो कंडीशन बनती है, या तो ये दोनों क्रोमोसोम आपस में होमोलोगस हो, या तो ये दोनों क्रोमोसोम आपस में होमोलोगस हो, या फिर ये दोनों क्रोमोसोम आपस में नॉन होमोलोगस हो, भाई कंडीशन कुछ भी हो सकती है। हो सकता है ऐसा ही एक पेयर्ड जोड़ा आके जुड़ जाए, हो सकता है एक क्रोमोसोम यहाँ से जुड़े, एक क्रोमोसोम कोई दूसरे का निकले। और आपका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मान लो यहाँ पर मैं एक और सेट बना देता हूँ, ये लो,
ठीक है, ये दोनों क्या है आपस में होमोलोगस है। ठीक है, अब अगर मान लो पहली कंडीशन में क्या था, जो ट्राइसोमी में क्या था कि एक क्रोमोसोम अकेला आया और आके जुड़ गया तो 2n+1। अब अगर हो सकता है कि ये दोनों क्रोमोसोम एक साथ निकले यहाँ से, ये दोनों क्रोमोसोम एक साथ निकले और आके आके जुड़ जाएं, अब ये दोनों क्या हैं आपके होमोलोगस हैं। और ये भी हो सकता है कि एक क्रोमोसोम यहाँ से आए और एक क्रोमोसोम यहाँ से या फिर किसी और से आए, जैसे कि ये हो सकता है अपने होमोलोगस हो और हो सकता है आपके ये नॉन होमोलोगस हो सकता है ये दोनों क्रोमोसोम कैसे हों होमोलोगस हों और हो सकता है ये दोनों क्रोमोसोम नॉन होमोलोगस हों। अगर ये दोनों क्रोमोसोम होमोलोगस है, पूरा की पूरा पेयर आके जुड़ रहा है, तो उसको कह देंगे हम लोग क्या, टेट्रासोमी। तो उसको क्या कहेंगे, टेट्रासोमी। मतलब 2n तो है ही, साथ में क्या हुआ, पूरा की पूरा पेयर आके जुड़ा है, इसलिए यहाँ पर 2 जुड़ेगा, इसलिए टेट्रासोमी को क्या लगते हैं 2n+2। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या होता है, अगर मान लो ये होमोलोगस है तो कोई दिक्कत नहीं, होमोलोगस मतलब पूरा की पूरा जोड़ा आके जुड़ गया तो अपन लिख दिया टेट्रासोमी 2n+2। अब अगर मान लो ये नॉन होमोलोगस हुआ, एक क्रोमोसोम यहाँ से आया, एक क्रोमोसोम किसी दूसरे पेयर से आया, नॉन होमोलोगस है, तो फिर इसको बोलेंगे हम लोग क्या, इसी में जुड़ेगा ये, इसको बोलेंगे हम क्या, डबल ट्राइसोमी। और इसको कैसे लिखेंगे, पहले तो प्लस वन और एक और आके इसमें जुड़ गया, डबल ट्राइसोमी को कैसे लिखेंगे 2n+1+1। ये +1+1 दो बार क्यों लिखा है अपन ने, क्योंकि ये दोनों नॉन होमोलोगस हैं, और यहाँ पर एक साथ 2 लिख दिया क्योंकि ये होमोलोगस हैं। ये बात आपको याद रखनी है, मतलब वही है, अगर इसमें 8 क्रोमोसोम है तो यहाँ पर डबल ट्राइसोमी में 10 हो जाएंगे, यहाँ पर भी 10 हो जाएंगे, टेट्रासोमी में भी 10 होंगे लेकिन, और डबल ट्राइसोमी में भी 10 होंगे, लेकिन कहने के तरीके अलग अलग हैं। ठीक है, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम आ रहे हैं, वो होमोलोगस है कि नॉन होमोलोगस है, इस बात पे डिपेंड करता है। अगर वो होमोलोगस है तो टेट्रासोमी, अगर वो नॉन होमोलोगस है तो 2n+1+1। आ गई बात समझ में, ऐसे ही यहाँ पर टेट्रासोमी के भी हो सकता है, हो सकता है दो पेयर आके, हो सकता है ये दोनों आकर भी यहाँ इसमें जुड़ जाएं, तो दो और आके जेड छोड़ेंगे, तो इसको बोल देंगे क्या, डबल टेट्रासोमी। तो इसको क्या बोल देंगे, डबल टेट्रासोमी, यानी कि 2n+2 और एक और 2 जोड़ दो, ये डबल टेट्रासोमी हो गया। आ रही है ना बात समझ में, ट्राइसोमी और टेट्रासोमी का मतलब क्या हो गया, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बस यही होता है डबल ट्राइसोमी में और टेट्रासोमी में। आपसे कोई पूछ लेता है टेट्रासोमी क्या है, तो दो क्रोमोसोम जोड़ने हैं, लेकिन वो दो क्रोमोसोम ऐसे जोड़ने हैं कि सिंगल सिंगल से जोड़ने हैं, ये डिपेंड करता है होमोलोगस और नॉन होमोलोगस पर। क्वेश्चन यहाँ से सीधे सीधे पूछते हैं, ऐसा पूछ लेंगे बताओ 2n+2 क्या इंडिकेट करता है टेट्रासोमी को, या पूछ लेंगे 2n+1+1 ये क्या इंडिकेट करता है, ये डबल ट्राइसोमी को इंडिकेट करता है। क्रोमोसोम नंबर दोनों में सेम है, लेकिन ये डबल ट्राइसोमी है और ये टेट्रासोमी है। अब बात कर लेते हैं अपन हाइपोप्लॉइडी, हाइपोप्लॉइडी में क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर कम होंगे। ठीक है, देखो मान लो इसमें से एक क्रोमोसोम कम हो गया, कोई भी एक, मान लो ये वाला ही जो क्रोमोसोम है इसमें से कम हो गया, तो क्या बोलेंगे, मोनोसोमी। उसको क्या बोलेंगे अपन, मोनोसोमी। एक क्रोमोसोम कम हो गया मतलब क्या बोलेंगे इसको, मोनोसोमी। नॉर्मल कंडीशन क्या होती है, 2n, कम कितना हुआ, 1, लिखेंगे इसके ऐसे 2n-1 से, क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से। ऐसे पूछ लेते मोनोसोमी क्या इंडिकेट करती है 2n-1, या पूछ लेंगे 2n-1 क्या इंडिकेट करता है, मोनोसोमी। अब वही चीज़ कि अगर हो सकता है दो क्रोमोसोम और दोनों ही होमोलोगस क्रोमोसोम मूव कर जाए यहाँ से, दोनों ही होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ से लॉस हो जाए, तो फिर क्या बोलेंगे उसको, तो उसको बोल देंगे क्या, नलीसोमी। मतलब यहाँ पर 2n-2 हो जाएगा, ये 2 क्या डिनोट कर रहा है, 2 का मतलब है यहाँ पर कि ये होमोलोगस है, ये दोनों क्या हैं आपके, होमोलोगस है। 2n-2 मतलब ये क्या है आपका, होमोलोगस है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर अब ये कंडीशन और बनती है जो इसके साथ कंफ्यूज करती है, हो सकता है एक क्रोमोसोम ये चला जाए और हो सकता है एक क्रोमोसोम ये चला जाए, ये दोनों आपस में कैसे हैं, ये है नॉन होमोलोगस, ये दोनों आपस में कैसे नॉन होमोलोगस, तो उस कंडीशन में इस मोनोसोमी को क्या बोलेंगे, डबल मोनोसोमी। इसको क्या बोलेंगे, डबल मोनोसोमी। उसको लिखेंगे कैसे, एक माइनस फिर एक और माइनस, 2n-1-1। इसको अगर काउंट करें, इसमें अगर 8 रखें तो अपन इसकी भी नंबर 6 आएंगे और इसके नंबर भी 6 आएंगे, लेकिन ये है क्या, नलीसोमी, और ये क्या है, डबल मोनोसोमी। अगर मान लो एक और क्रोमोसोम यहाँ से लॉस कर दो, तो फिर ये हो जाएगा आपका क्या, ट्रिपल मोनोसोमी। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रिपल मोनोसोमी। तो उसको कैसे लेंगे, 2n-1-1-1।
ठीक है, आप यहाँ मैथमेटिक्स लगाने मत लग जाना कि माइनस माइनस प्लस प्लस, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये लिखने का तरीका है, ट्रिपल मोनोसोमी हो गया। अगर मान लो दो सेट, दो होमोलोगस, एक ये वाला पूरा होमोलोगस और एक ये वाला पूरा जोड़ा चला जाए, एक ये पूरा जोड़ा चला जाए, तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, वो डबल नलीसोमी हो जाएगी। तो उसको क्या बोल देंगे, डबल नलीसोमी, मतलब 2n-2 और -2। ये 2 का मतलब जो अपन एक साथ लिख रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम चले गए। ये क्या चले गए, होमोलोगस, और इनको अलग अलग लिख रहे हैं मतलब कि ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम गए, और यहीं से टर्म्स बदल जाती हैं। जब दो अलग अलग जाएं तो डबल मोनोसोमी हो गया, और दोनों एक साथ वाले जाएं, होमोलोगस वाले जाएं, तो वो नलीसोमी हो गया। आ गई बात समझ में, ठीक है। ये तो हो गया अपना क्या, हाइपरप्लॉयडी, और ये हो गया हाइपोप्लॉयडी। अब इसमें आपको एक इस पर और ध्यान देना है, ट्राइसोमी पर थोड़ा सा जाना है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ट्राइसोमी में क्या होता है, एक क्रोमोसोम आके जुड़ रहा है। ट्राइसोमी में क्या हुआ है, एक क्रोमोसोम आके ऐड हुआ है। क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि ये क्रोमोसोम आया कहाँ से और ये कैसा क्रोमोसोम है। इस बेसिस पर ये ट्राइसोमी जो होती है वो तीन टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है, तीन टाइप की। पहली होती है प्राइमरी ट्राइसोमी, दूसरी होती है सेकेंडरी ट्राइसोमी, और तीसरी होती है टर्सरी ट्राइसोमी। पहली प्राइमरी, दूसरी सेकेंडरी, और तीसरी टर्सरी। किस बेसिस पर, कि ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आके जुड़ा है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम कैसा है। अगर ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नॉर्मल है, अगर ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नॉर्मल है तो उसे कह देंगे क्या, प्राइमरी। नॉर्मल का मतलब कोई भी एक नॉर्मल क्रोमोसोम आकर आके उसमें जुड़ गया है तो वो आपका क्या है, प्राइमरी ट्राइसोमी है। क्या है वो आपका, प्राइमरी ट्राइसोमी। एक होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या है, अगर ये नॉर्मल क्रोमोसोमी, सॉरी नॉर्मल नहीं, नॉर्मल होगा तो प्राइमरी है, अगर ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो आके जुड़ा है अगर ये आइसोक्रोमोसोम है तो, अगर ये आइसोक्रोमोसोम है तो वो सेकेंडरी हो जाएगा। अब आइसोक्रोमोसोम क्या होता है, देखो जैसे कि ये एक क्रोमोसोम है। नॉर्मली क्रोमोसोम में क्या होता है, हमेशा ऐसा डिवीजन होता है, ठीक है, इक्विलेटरल डिवीजन। अगर यहाँ पर ट्रांसवर्स डिवीजन हो जाए, अगर यहाँ पर कैसा डिवीजन हो जाए, ट्रांसवर्स डिवीजन, अगर यहाँ पर ऐसा ट्रांसवर्स डिवीजन हो जाए, या इसको और सिंपल तरीके से दो ना बनाते, एक सिंगल बनाता हूँ, जैसे कि ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ये एक क्रोमोसोम है। अब नॉर्मली अपना कैसा डिवीजन होता है, ये डिवीजन होता है। अब ये डिवीजन ना होते हुए अगर इसी में ये डिवीजन हो जाए अपना इस तरह का, तो क्या होगा, अपना ऐसे दो पार्ट में ये डिवाइड हो जाएगा। ये क्या होगा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये दोनों क्या है, एक ही क्रोमोसोम के पार्ट है, लेकिन इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होने की वजह से दो इक्वल हाफ में टूट गया है। इन दोनों को ही कहते हैं क्या, आइसोक्रोमोसोम, ठीक है। तो अगर ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो आके इसमें जुड़ा है ट्राइसोमी में, अगर ये नॉर्मल ना होते हुए आइसोक्रोमोसोम है तो उसे क्या कहेंगे, सेकेंडरी ट्राइसोमी। और अगर ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो आके जुड़ा है, अगर ये ट्रांसलोकेटेड है, ट्रांसलोकेटेड जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, स्ट्रक्चर में ट्रांसलोकेशन, अगर उसमें ट्रांसलोकेशन हुआ है, मतलब जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आया है उसके अंदर ट्रांसलोकेटेशन हुआ है, मतलब कुछ दूसरी सेगमेंट दूसरे क्रोमोसोम की उसके अंदर है, अगर वो क्रोमोसोम ट्रांसलोकेटेड है तो उसको क्या कहेंगे, टर्सरी ट्राइसोमी, ठीक है। ये तीन टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं कि अगर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नॉर्मल है तो प्राइमरी है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आइसोक्रोमोसोम है तो फिर अपना वो सेकेंडरी हो जाएगा, और अगर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो है वो ट्रांसलोकेटेड क्रोमोसोम है तो फिर वो टर्सरी ट्राइसोमी हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। बस आपको ये ट्राइसोमी ही पढ़ना था डिटेल में, इसको डिटेल तो नहीं कहेंगे, डिटेल तो अभी जो बहुत सारी है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मतलब से ये सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है। आप लोग अगर इतना पढ़ लेते, अरे भाई छोड़ दे मुझे, ठीक है भाई, तो वीडियो ख़त्म करते हैं।